हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। फ्रेंड्स, बैंक रिकंसल स्टेटमेंट ये हम पार्ट टू बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने सारे बेसिक्स कि भाई बीआरएस क्या चीज़ होती है, इसकी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे प्लस या माइनस करना होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है पार्ट वन में कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो पार्ट टू को करने से पहले आप पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और अगर आपने पार्ट वन देखा हुआ है तो आपका वेलकम है। आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू। देखिए, अब मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, इनसे क्या आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी कि भाई बैंक रिकंसल स्टेटमेंट हमें करना कैसे, बनाना कैसे है। ठीक है, तो मैंने इसमें कोशिश करी कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए एक एक करके, चारों सवाल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल इसमें देखो लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसल स्टेटमेंट, कि भाई हमें वही बीआरएस बनाना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप सवाल करेंगे तो सारे पॉइंट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, आपको बीआरएस का फॉर्मेट भी बना लेना है। ठीक है, बीआरएस का फॉर्मेट इस तरीके से रहता है, बैंक रिकंसल स्टेटमेंट नाम लिखेंगे और नीचे एज ऑन, मतलब जिस डेट को आप बना रहे हैं। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई डेट नहीं बता रखी, तो एज ऑन डैश 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 करके छोड़ देंगे। नहीं तो अगर वो मंथ डेट हमें दे रखी होगी तो वो डेट हम लिख देते हैं। चलिए, अब देखिए बैलेंसेस। जैसे मैंने देखो बताया था आपको कि हमें इसमें ड्राइवर देखना पड़ता है कि भाई हमें आंसर स्टार्ट कहाँ से करना है, कैशबुक बैलेंस है या पासबुक बैलेंस है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखिए बैलेंस हमें यहाँ पे ऑलरेडी सवाल की शुरुआत में दिया होगा, तो बैलेंस देखो अगर ध्यान से अगर देखें तो बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर है वो कैशबुक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना दो टाइप के बैलेंस होते हैं, एक हमारा फेवरेबल बैलेंस और एक हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। ध्यान रखिएगा, अगर फेवरेबल बैलेंस है तो हम उसको प्लस साइड में लिखते हैं, अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसे हम माइनस साइड में लिखते हैं। अब इस सवाल में कौन सा बैलेंस है, इसमें ना आगे बताया नहीं है कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर कुछ भी ना बताया जाए कि भाई फेवरेबल है अनफेवरेबल है तो क्या मानेंगे, तो ऑब्वियस है हम इसे फेवरेबल मानेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फेवरेबल माना जाता है, अनफेवरेबल तभी मानिएगा जब क्वेश्चन में लिखा हो स्पेशली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये फेवरेबल बैलेंस है तो इसको प्लस में लिख देंगे 25,000 रुपये को। अब देखिए, हमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि भाई इन पॉइंट्स को प्लस में लिखना है या फिर माइनस में लिखना है। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट, इसमें लिखा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि हमने चेक इशू तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया 6,000 रुपये का चेक। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखो दो स्टेप होते हैं, अपने हमेशा ध्यान रखिएगा दो स्टेप में हमें इन सवालों को करना है, स्टेप वन स्टेप टू। स्टेप वन में क्या है, स्टेप वन में सबसे पहले आप लोग देखेंगे इफेक्ट, कि भाई इफेक्ट किस पे पड़ा, कैशबुक पर या पासबुक पर। फिर स्टेप टू में क्या करना है, सॉल्यूशन, कि भाई अब क्या करना है, अब हमें प्लस करना है या फिर हमें माइनस करना है। इफेक्ट जब भी आप देखेंगे तो ध्यान रखना, इफेक्ट में आप लोग सिर्फ देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, कि भाई कैशबुक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, या फिर पासबुक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि इफेक्ट किसी एक ही जगह पड़ता है, या तो कैशबुक पे या पासबुक पे, दोनों पे नहीं। फिर सॉल्यूशन देखना कि भाई मुझे इसे प्लस करना है कि मुझे इसे माइनस करना है। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा है चेक इशूड, कि भाई हमने चेक इशूड कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। जैसे ही हम चेक इशूड करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, ये मेरा एक हाथ कैशबुक है और एक हाथ ये मेरा पासबुक है। जैसे ही हम चेक इशूड करते हैं तो चेक इशूड करते ही, ठीक है, हम इसे कैशबुक में रिकॉर्ड करते हैं और कैशबुक में इस बैलेंस को कम कर देते, चेक इशू किया ना, हमने किसी पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है, तो हमने पेमेंट के लिए दिया है तो हमारा कैशबुक हम क्या कर देंगे, कम। पासबुक कब कम होगा, जब वो दूसरी पार्टी जो है उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट करेगी, और फिर उस बैंक जैसे चेक क्लियर होगा तो हमारा पासबुक में से बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो लिखा है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी जिस भी पार्टी को हमने चेक दिया उसने आगे पेमेंट के लिए उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ चेक इशूड करते हमने कैशबुक तो कम कर दी, लेकिन जो दूसरी पार्टी उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, हमारी पासबुक जो अभी तक ये कम नहीं हुई, यानी कैशबुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। ये हुआ हमारा इफेक्ट। सॉल्यूशन क्या करना है,
तो देखिए ड्राइवर कौन है, तो ड्राइवर हमारा कैशबुक है, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को प्लस कर सकते हैं। हालांकि पासबुक माइनस भी कर सकते थे, लेकिन ड्राइवर देखना पड़ता है ड्राइवर कौन है, तो हमारे यहाँ पे ड्राइवर कैशबुक है, तो कैशबुक में ही प्लस माइनस करेंगे, कैशबुक हमने प्लस कर देना है 6,000 रुपये से। तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट को लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक हमने इशूड तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में 6,000। सॉरी ड्राइवर कैशबुक है ना, ये प्लस में आ जाएगा 6,000, क्योंकि देखो चेक इशूड करते कैशबुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। बैलेंस करना है ड्राइवर कैशबुक है, तो वापस इसे क्या कर देंगे प्लस। तो पहले आपने इफेक्ट देखा और फिर सॉल्यूशन, दो स्टेप ध्यान रखिएगा, पहले इफेक्ट और उसके बाद सॉल्यूशन, कि भाई इफेक्ट जो है हमेशा ध्यान रखना आपका इंक्रीज या डिक्रीज में देखा जाता है, सॉल्यूशन जो है प्लस या माइनस में, कि इफेक्ट पड़ा किस पे। तो चेक इशूड करते कैशबुक हमारी कम हो गई, बैलेंस करना है क्या करेंगे कैशबुक को प्लस कर देंगे क्योंकि ड्राइवर कैशबुक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बैंक चार्जेस, भाई 300 रुपये ने बैंक ने 300 रुपये का चार्ज लगा दिया, अब बैंक चार्जेस का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैशबुक पे या पासबुक पे। तो चार्जेस हैं, बैंक ने चार्जेस लगाए तो सबसे पहले बैंक अपने पासबुक में रिकॉर्ड करेगा, यानी इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा पासबुक कम हो जाएगा लेकिन कैशबुक कम नहीं हुआ। अब दोनों को बैलेंस करना है तो क्या करें, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ड्राइवर देखेंगे, ड्राइवर कौन है कैशबुक, तो कैशबुक को माइनस कर देंगे। तो बैंक चार्जेस ठीक है, ध्यान से देखिए दोबारा से, बैंक चार्जेस हमारा पासबुक कम हो गया, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को भी कम कर देंगे क्योंकि ड्राइवर कैशबुक है। तो चलिए इसको लिखते हैं बैंक चार्जेस, ठीक है, तो बैंक चार्जेस हमारे कैशबुक के माइनस साइड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 2,000 रुपये, कि हमारा कस्टमर उसने बैंक में डायरेक्टली 2,000 रुपये जमा कर दिए, इसका इफेक्ट देखोगे, देखो बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए तो कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते ना, क्योंकि कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट जमा की है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो बैंक में जैसे जमा किए पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा पर कैशबुक नहीं बढ़ा, दोनों को बैलेंस करना है, ड्राइवर कौन है कैशबुक, तो बैलेंस करने के क्या करेंगे कैशबुक को प्लस। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए पैसे, कितने 2,000 रुपये। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कि भाई हमने चार्जर का चेक जमा तो कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यानी वो क्लियर नहीं हुआ चेक। अब चेक डिपॉजिटेड सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कैशबुक में या पासबुक में। देखो हमने चेक जमा किया, जैसे हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया सबसे पहले कैशबुक में एंट्री हो जाती, कैशबुक को बढ़ा देते हैं। अच्छा बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ड्राइवर कौन है कैशबुक, तो कैशबुक को ही माइनस कर देंगे। हालांकि पासबुक प्लस कर सकते थे लेकिन देखो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो भाई कैशबुक से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस कैशबुक के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट का इफेक्ट किस पे पड़ा, कैशबुक पर, तो कैशबुक हमारा बढ़ गया। बैलेंस करना है क्या करेंगे, कैशबुक को माइनस कर देंगे, कितने रुपये 4,000 रुपये से, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है। तो हमारा कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था, बैलेंस करना है तो कैशबुक को माइनस कर देंगे 4,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बैंक इंटरेस्ट, भाई बैंक ने ना आपको 800 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, तो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कहाँ किया गया होगा, कैशबुक में या पासबुक में, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो भाई पासबुक बढ़ गई होगी हमारी 800 रुपये से, बैलेंस करना है कैशबुक को भी बढ़ा देंगे, तो बैंक इंटरेस्ट कैशबुक में प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट 800 रुपये प्लस में। अच्छा लास्ट पॉइंट तो लिखा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 4,500, कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने 4,500 डायरेक्टली पे कर दिए, मतलब हमने बैंक को ना कई बार बताया होता कि भाई ये हमारी कुछ पेमेंट है आप इसे डायरेक्टली पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, कैशबुक पर या पासबुक पर। तो बैंक ने पे कर दिया तो सबसे पहले क्या होगा, पासबुक हमारा कम हो जाएगा, है ना इफेक्ट।
सॉल्यूशन करने क्या करेंगे, तो ड्राइवर कौन है, कैश बुक, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 4,500 रुपये, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना, हमें अब इसकी क्लोजिंग करनी है, ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे, ठीक है, देखेंगे भाई टोटल किस साइड ज़्यादा हो रहा है, तो प्लस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है ना, तो प्लस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, कितना होगा ये 25 और 6 31 और 33 800, तो ये 33,800 दोनों साइड लिख देंगे भाई, प्लस में भी और माइनस में भी। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर देख रहे हैं इस तरफ आएगी ना, क्योंकि माइनस साइड का टोटल कम है, तो इस बैलेंस को हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, कि ये हमारा पासबुक का बैलेंस हो गया, कितना हो जाएगा बैलेंस यहाँ पर, ये तो 4,500, 4,000 और ये 300, तो ये जाएगा 8,800, तो 33,800 में से 8,800 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 21,000 ना, एक बार चेक कर लें, 25,000 सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे 25,000। चलिए, ये आपका हो गया पार्ट वन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। अब क्रेडिट बैलेंस अगर एज पर पासबुक लिख दिया, तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो यहाँ पर बस एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, क्या देखिए होता क्या, देखिए कैश बुक जो है वो बिजनेस में आता है, और बिजनेस के लिए कैश बुक का बैलेंस असेट होता है, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, और ऐसे ही पासबुक जो है, पासबुक तो बैंक बनाता है, और बैंक में हमारे जितने भी पैसे होते हैं ऑन डिमांड बैंक को पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, यानी जब भी हम पैसा डिमांड करेंगे बैंक को, ये हमारे पैसे में वापस करने पड़ेंगे, यानी हमने जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, तो बैंक से जब भी पैसा मांगेंगे बैंक को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अच्छा, बैंक के लिए लायबिलिटी, तो बैंक का ये कौन सा बैलेंस हो गया, बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब कैश बुक जो है वो असेट है, और पासबुक का जो बैलेंस है, क्योंकि बैंक के हिसाब से चलता है मामला, तो बैंक के लिए लायबिलिटी यानी उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कैश बुक के लिए लिखा हो कि भाई कैश बुक का ना डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो यानी डेबिट बैलेंस लिखने का मतलब है कि वो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, और अगर कैश बुक में ऐसे लिखा हो कि भाई वो क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब वो कैश बुक का ना अनफेवरेबल बैलेंस है, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बैलेंस चल कौन सा रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस। जैसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है इस समय पासबुक में। अब क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, देखो पासबुक के हिसाब से पासबुक का जो ओरिजिनल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, पासबुक का वो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, और अगर डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो पासबुक का वो अनफेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि देखिए पासबुक क्या है, पासबुक बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो जितना ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमारे कस्टमर के हिसाब से सोचिए, जितनी बैंक की ज़्यादा लायबिलिटी होगी कि बैंक को हमें 10 लाख रुपए वापस करने, क्योंकि हमने 10 लाख जमा कर रखे हैं, तो मेरे लिए तो वो फेवरेबल ही हुआ ना, तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो कस्टमर के लिए क्या है, फेवरेबल, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो कस्टमर के लिए क्या है, अनफेवरेबल, कि हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए होंगे डेबिट बैलेंस में, ठीक है, तो हमारे लिए वो अगेंस्ट चला जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक करके लिखा है, इट मीन्स ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, तो 18,000 रुपये हम प्लस साइड में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आंसर, तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और क्योंकि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो हम इसे प्लस साइड में लिखेंगे, ठीक है, कितना अमाउंट है ये 18,000, तो ये 18,000 रुपये प्लस साइड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, कि चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, चेक डिपॉजिट का इफेक्ट किस पे पड़ा, कैश बुक पे या पासबुक पे, तो जैसे हम चेक डिपॉजिट करते तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। इस बार देखिए ध्यान से, ड्राइवर कौन है, इस बार ड्राइवर पासबुक है, ठीक है, इस बार ड्राइवर पासबुक है, पासबुक से स्टार्ट हुआ ना आंसर, तो इसका मतलब अगर देखो फिर से चेक डिपॉजिट बट नॉट एट क्लियर, तो इसका इफेक्ट कैशबुक तो बढ़ गया लेकिन बैलेंस करने के लिए पासबुक को हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर कौन है इस बार, पासबुक, ठीक है।
अच्छा, तो अब इसमें हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, बट नॉट येट क्लियर्ड, कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, 3000 रुपये। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैशबुक बढ़ गई लेकिन हमारी पासबुक अभी तक नहीं बढ़ी। ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो पासबुक को बढ़ा देंगे, कितने रुपये से, 3000 रुपये से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा लिखा चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक हमने इशू तो कर दिया। अच्छा, चेक इशू करते क्या होगा, कैशबुक हमारी कम हो जाएगी, बैलेंस करना, ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को कम कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक इशूड, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है ना, तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, ठीक है, ड्राइवर पासबुक है तो पासबुक को कम कर देंगे। अब तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली ये इंटरेस्ट जो कलेक्ट कर लिया, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैशबुक पे या पासबुक पे, तो भाई बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, अब दोनों को बराबर करना है, ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक को कम कर देंगे, ठीक है। ड्राइवर का ध्यान रखिएगा भाई, ड्राइवर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चलेगा, अगर ड्राइवर कैशबुक है तो कैशबुक प्लस माइनस होगा, अगर ड्राइवर पासबुक है तो पासबुक प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, तो इसका फिर से अगेन इफेक्ट, पासबुक हमारी बढ़ गई, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, अब बैलेंस करना है, तो ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को कम कर देंगे, ठीक है। कितने रुपये का इंटरेस्ट है, ये 2000 रुपये, पासबुक 2000 रुपये से माइनस में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ लिखा रॉन्गली डेबिटेड इन कैशबुक, कैशबुक में गलती से डेबिट हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, यानी कि कैशबुक को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा रॉन्गली डेबिटेड, भाई गलती से डेबिट कर दिया, जैसे गलती से कर दिया, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, बैंक मतलब कैशबुक चाहे डेबिट हो जाए गलती से या क्रेडिट हो जाए, आपको गलती को नहीं सुधारना, आपको बस इफेक्ट, जो मैंने कहा था ना, दो स्टेप सोचने हैं, पहला इफेक्ट क्या सोचना है कि भाई इफेक्ट क्या पड़ा, दूसरा क्या सोचना है सॉल्यूशन, कि अगर कैशबुक पासबुक को इक्वल लाना है तो प्लस करें कि माइनस करें, बस इससे ज्यादा मत सोचिएगा, इफेक्ट और सॉल्यूशन। यानी अब रॉन्गली डेबिटेड, गलती कर दी, कैशबुक को डेबिट कर दिया, गलती से कर दिया, उसको कैसे रेक्टिफाई करें, ठीक कैसे करें, वो ये हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, दोनों को रिकंसाइल करना, दोनों को बैलेंस को बराबर बराबर लाना है। अब रॉन्गली डेबिटेड का इफेक्ट देखो, भाई कैशबुक में डेबिट हुआ है ना, कैशबुक में इफेक्ट पड़ेगा, अब डेबिट करने का मतलब कैशबुक हमारा बढ़ गया, दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब ड्राइवर कौन है, पासबुक, ठीक है, बैलेंस करने के लिए पासबुक को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ एक बात क्लियर कर दूँ, ये मत सोचिएगा कि एक्चुअल में कैशबुक या पासबुक में ये चीज़ें प्लस या माइनस वाले रिकॉर्ड की जा रही है, ये सिर्फ एक बियर्स बनाया जा रहा है, एक स्टेटमेंट बनाई जा रही है कि अगर हम ये प्लस या माइनस कुछ करते हैं तो हाँ जी दोनों बैलेंस बराबर आ जाएंगे, तो हाँ जी आ जाएंगे, बस ना एक्चुअल में कैशबुक में कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है ना पासबुक में कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तो एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जा रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉन्गली डेबिटेड इन कैशबुक, तो यहाँ लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड इन कैशबुक, भाई गलती से कैशबुक को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, कितना अमाउंट है ये 500 रुपये, तो कैशबुक को गलती से डेबिट कर दिया, कैशबुक हमारी बढ़ गई, बैलेंस करना है, ड्राइवर पासबुक है तो प्लस कर देंगे, तो ये 500 रुपये प्लस साइड में आ जाएगा, अगर ये ड्राइवर कैशबुक होता तो कैशबुक को माइनस कर देते, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस 200 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक, भाई कैशबुक में दो बार रिकॉर्ड कर दिया, बताओ कैसे कैसे लोग हैं, मतलब बैंक चार्जेस, देखो बैंक चार्जेस है, पासबुक तो कम हुई होगी, कैशबुक भी कम हुई होगी, लेकिन कैशबुक दो बार कम कर दिए कि एडिशनल और एक बार कम, ये भी एक एरर है, गलती हो गई है कि बैंक चार्जेस को कैशबुक में दो बार रिकॉर्ड कर लिया,
तो देखो एक बार तो दोनों कम हुए होंगे, लेकिन कैशबुक और एक बार कम हो गया, तो इफेक्ट क्या हुआ, कैशबुक हमारा कम हो गया कितने रुपए से, 200 रुपए से। ठीक है, बैलेंस करना क्या करेंगे, अब ड्राइवर कौन है, ड्राइवर पासबुक है, पासबुक से आंसर चल रहा है ना, तो पासबुक को माइनस कर देंगे, तो आंसर में लिखेंगे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक। भाई गलतियां कहीं पे भी हो सकती है, इंसान है, इंसानों से गलतियां होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, हमें अभी गलती को सुधारना नहीं है, बस देखना है दोनों को अगर बराबर लाना है तो कैसे लाएंगे। तो दो बार रिकॉर्ड हो गया देखो कैशबुक में, तो एक बार तो दोनों जगह रिकॉर्ड हुआ कैशबुक में, और एक बार कम हो गया तो कैशबुक में जो एडिशनल ये कम हो गया, इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है 200 रुपए का। बैलेंस करने के लिए पासबुक को भी कम कर देंगे, क्योंकि ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो ये 200 रुपए माइनस में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब जैसे पिछले सवाल में देखा था, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने डायरेक्टली पे कर दिया है ना, बैंक ने पे कर दिया, तो बैंक ने पे कर दिया नहीं, पासबुक कम हो गई। बैलेंस करना है, आप क्या करें, ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो पासबुक को प्लस कर देंगे। ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस बराबर आ जाए। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो पासबुक कम हो गया, बैलेंस करना है, तो पासबुक को प्लस कर देंगे कितने रुपए से, 2400। चलिए अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल देखिए, टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है, वही प्लस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 18 और 3 है 21, 21 और 2 23, 23,900, 23,900 दोनों साइड लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट में टोटल माइनस में टोटल कम हो रहा है, 6 और 2 8, 8,200 है, तो 8,200 को 23,900 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस करके, ये 9 में से 2 गया 7 और 13 में से 8 गया 5, 15,700। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 13,900 माइनस 8,200, हाँ जी बैलेंस बराबर है, तो इसको लिख देंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, मतलब पासबुक से हमने आंसर स्टार्ट किया। ठीक है, और ये प्लस माइनस करते करते हम कैशबुक तक आ गए। ठीक है, ऐसे ही होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें लिखा कैशबुक ऑफ नीलम शोज अ क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस लिखा है यहाँ पर भी, अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो कैशबुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट है ना, अगर डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो इट मीन्स ये फेवरेबल है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा तो इट मीन्स ये अनफेवरेबल है। अब देखिए कैशबुक के लिए क्या लिखा है, ये क्रेडिट बैलेंस करके लिखा है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, ये हमारा अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, अच्छा तो अनफेवरेबल को कहाँ लिखते हैं, अनफेवरेबल को माइनस साइड में लिखते हैं, मैंने कहा था ना अगर बैलेंस फेवरेबल हुआ तो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, और अगर बैलेंस अनफेवरेबल हुआ तो माइनस में लिखते हैं, मतलब नेगेटिव चल रहा है, मतलब ये हमारा ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, अगर ओवरड्राफ्ट करके लिखें या अनफेवरेबल करके लिखें तो समझ जाना माइनस में लिखा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर, ठीक है, कैशबुक 15,000 रुपये। अच्छा, अगर यही हम पासबुक के अकॉर्डिंग कर सोचें तो पासबुक का जो है, ध्यान रखना पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा तो इसका मतलब वो हमारा फेवरेबल है, और पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो इसका मतलब वो हमारा अनफेवरेबल है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा 15,000 रुपये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस इस बार दिया हुआ है कैशबुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, और क्योंकि अनफेवरेबल है तो ये माइनस में लिखा जाएगा। और हाँ, डेट दे रखी है तो देखो यहाँ पर डेट नहीं लिखी ना, नहीं लिखी तो हम ये एज ऑन डैश डैश करके छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1,000 रुपये, बैंक ने ब्याज दिया है, तो बैंक ने ब्याज दिया है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, बैंक पासबुक पर,
पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अच्छा, अब ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हमारा कैशबुक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कैशबुक को भी प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है, पासबुक बढ़ गई तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को भी बढ़ा देंगे। कितने रुपए है ये? 1000 रुपए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। भाई पासबुक में गलती हो गई, भाई गलती कहीं पे भी हो सकती है ना। अब देखो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, वही क्रेडिट, ठीक है, यानी पासबुक को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। अब यहाँ लिखा रॉन्गली क्रेडिटेड, भाई गलती से ही हो गया लेकिन पासबुक क्रेडिट हुई है, और क्रेडिट का मतलब पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, पासबुक हमारी बढ़ गई। अब गलती को सुधारना नहीं है, ये चैप्टर हमारा सुधारने वाला नहीं है, ये चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को बैलेंस करना है, ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हुआ, पासबुक क्रेडिट हो गई, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। अच्छा, दोनों को बैलेंस करना है, ड्राइवर कौन है, कैशबुक, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को प्लस कर देंगे, तो ये 2000 रुपये प्लस में आ जाएंगे। तो लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक है, 2000 रुपये, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को भी प्लस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स फॉर ₹40,000 सेंड टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन बट चेक्स अमाउंटेड टू ₹24,000 वर कलेक्टेड बाय बैंक। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, है ना, कि चेक्स ₹40,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कि बैंक में जो हमने ₹40,000 की चेक डिपॉजिट कर दी है, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया होगा कैशबुक में एंट्री होगी, कैशबुक हमारी 40,000 से बढ़ गई होगी। लेकिन आगे लिख रहे हैं बट इसमें से चेक्स ऑफ अमाउंटेड टू 24,000 कलेक्टेड बाय बैंक, कि कितने कलेक्ट कर पाए, सिर्फ 24,000, यानी कहने का मतलब कैशबुक तो 40,000 से बढ़ी लेकिन पासबुक जो है सिर्फ 24,000 से बढ़ी, मतलब अभी जो है बाकी 16,000 रुपये के चेक अभी कलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब वो प्रोसेसिंग में होंगे अभी और हमें BRS बनानी पड़ रही है। तो इसका मतलब कैशबुक 40,000 से बढ़ी लेकिन पासबुक सिर्फ 24,000 से बढ़ी, तभी तो हम बोलते हैं चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कर दिए बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, यानी जो कलेक्ट अभी तक नहीं हुए, ठीक है। तो हमने जो चेक डिपॉजिट किए थे वो 40,000, ठीक है, उसमें से कलेक्ट जो है वो सिर्फ 24,000, तो कितने कलेक्ट नहीं हुए, 16,000, वही हमें लेना होता है, ठीक है। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं, तो 16,000 में से, ठीक है, 16,000 से कैशबुक तो बढ़ गई लेकिन 16,000 से पासबुक नहीं बढ़ी। अब बैलेंस करना है, ड्राइवर कौन है, कैशबुक, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर 8,500। मतलब कुछ हमारे बिल्स होंगे, जैसे हम कस्टमर को बिल बना के देते हैं ना, कि भाई हमने किसी को सामान बेचा उसको बिल बना के दे दिया, तो हमारे इस बिल्स की कलेक्शन जो है हमारे बिहाफ पर बैंक ने कर ली, तो बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो जैसे बैंक ने पैसे कलेक्ट किए हमारे पासबुक में एंट्री कर दोगी, पासबुक को बढ़ा दिया होगा, पर अभी तक कैशबुक नहीं बढ़ी, दोनों को बैलेंस करना है, तो ड्राइवर कौन है, कैशबुक, तो बैलेंस करने के लिए कैशबुक को प्लस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, तो 8,500 रुपये से कैशबुक को हम बढ़ा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 15,000 ऑफ विच चेक ऑफ ₹9,000 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, तो चेक 15,000 रुपये के चेक हमने इशू किए, जैसे इशू किए कैशबुक हमारी कम हो गई होगी, लेकिन उसमें से 9,000 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, किसमें से 9,000 ही प्रेजेंट हुए, यानी कितने प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, तो यानी उसमें से 6,000 प्रेजेंट नहीं हुए, तो हुआ क्या होगा, चेक इशूड करते 15,000 से कैशबुक तो कम कर दी, अब पेमेंट के लिए प्रेजेंट 9,000 ही हुए, यानी पासबुक 9,000 से ही कम हुई होगी, तो 6,000 रुपये जो है अभी भी हमारा कैशबुक ज़्यादा कम हो रखा है, क्योंकि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तभी तो हम लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमें ना यही देखना होता कितना प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, कितने रुपए के प्रेजेंट नहीं हुए, बस ये आपको देखना है, ठीक है, तो कितने रुपए के नहीं हुए, तो देखो 15,000 का चेक इशू किए, 15,000
कैश बुक हमारी 15,000 से कम हो गई, लेकिन इसमें से 9,000 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 9,000 ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो कैश बुक आपकी, सॉरी पासबुक आपकी 9,000 से कम हुई है, ठीक है, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कैश बुक 6,000 से कम हो रही है, ठीक है, पर पासबुक अभी तक कम नहीं हुई। बैलेंस करना है, ड्राइवर कौन है, कैश बुक, यानी कैश बुक को 6,000 से प्लस कर देंगे, तो ये 6,000 हमारे प्लस साइड में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सारे पॉइंट हमने कर दिए, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कैशबुक की सारी वैरायटीज वाले पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई पॉइंट अगर आपके कन्फ्यूजन दिमाग में आता है, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में वो सारे पॉइंट भी आपके कवर कर लूँ जो पॉइंट आपके अलग से डाउट के निकल के आते हैं। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट्स सवालों में कवर हो जाएं। इसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसमें भी अच्छे अच्छे पॉइंट है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका टोटल कर लेते हैं। देखो 15,000 और ये 16,000 क्रेडिट माइनस साइड का टोटल 31,000, ये ज़्यादा है, दोनों साइड लिखेंगे, बैलेंस प्लस साइड में आएगा। पर इसका टोटल देख लीजिए, 1,000, 2, 3,000, 3 और 8 11, 11 और 6 17,500। तो 31,000 में से 17,500 माइनस कर देंगे, ठीक है, 13,500, तो ये बैलेंस आ गया 13,500। पर ध्यान रखना, ये बैलेंस जैसे ये कैशबुक का बैलेंस था, ये हमारा पासबुक का बैलेंस होगा, ठीक है। अब जब हमने इसको देखो स्टार्ट किया था, देखो माइनस से एक चीज़ देखिएगा, और ये बैलेंस प्लस साइड में आ गया, मतलब असल में ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था ना, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक जो है 15,000 है, और एज पर पासबुक जो है ये हमारा 13,500 है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान रखना थोड़ा उल्टा चलता है ना कैशबुक और पासबुक में, जैसे कैशबुक में ये क्रेडिट बैलेंस लिखा है, तो पासबुक का ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, बैलेंस बैंक रिकंसल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। अब देखो यहाँ पे डेट फिर से दे रखी है 31 मार्च 2023, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो एज ऑन 31 मार्च 2023 ऐसे लिखेंगे। पर जब भी डेट लिखी होगी तो BRS के नीचे एज ऑन करके डेट जरूर लिखिएगा, नहीं तो डॉट 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 डॉट। अच्छा अब बैलेंस देखो क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2023 पासबुक सोड क्रेडिट बैलेंस 6,000। अच्छा पासबुक सोड क्रेडिट बैलेंस कि भाई क्रेडिट बैलेंस दिखाया जा रहा पासबुक में, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल या अनफेवरेबल, क्योंकि देखो पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, और क्योंकि फेवरेबल है तो इसे प्लस साइड में लिखेंगे, कितने रुपए, 6,000 रुपये, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस प्लस में, अनफेवरेबल माइनस में। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस 2,500 पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब पेड बाय बैंक, ठीक है, पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बैंक ने जो है 2,500 रुपये पे कर दिए लाइफ इंश्योरेंस, मतलब हमारा कोई खर्चा था बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया तो वही पासबुक कम हो गई, बैलेंस करना है। अच्छा ड्राइवर कौन है इस बार, ड्राइवर पासबुक है, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, बैंक ने पे कर दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बैलेंस करना है, पासबुक को प्लस कर देंगे 2,500 से। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा, चेक इशूड अमाउंटिंग टू 4,500 ऑफ विच 1,800 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि इसमें से 1,800 रुपये का चेक प्रेजेंट नहीं किया, ध्यान दीजिएगा 1,800 रुपये तक का चेक प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली खुद ही बता दिया कि भाई साहब 1,800 रुपये के चेक जो है अभी बैंक ने प्रेजेंट नहीं किए, तो ऐसा नहीं कि आप गलती से ऐसे 4,500 में से 1,800 माइनस कर दो ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब खुद बता रहे 1,800 रुपये के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, अब माइनस नहीं करना। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें देखो प्रेजेंटेड था तो हमने नॉट प्रेजेंटेड निकाल लिया था माइनस करके, ऐसा नहीं बार बार माइनस करेंगे आप, जब नॉट प्रेजेंटेड बता ही दिया तो अब माइनस नहीं करना। यानी क्वेश्चन में आपको रीडिंग बड़े केयरफुली करनी है, ध्यान से रीड करना है कि
कि भाई क्या बताया सवाल में, ठीक है। चलिए तो यहां लिखेंगे चेक इशूड, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि पेमेंट के लिए हमने प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा, कितने रुपए का चेक प्रेजेंट नहीं किया, यही तो चाहिए होता है। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट में बताया 1800 रुपये। इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो चेक इशूड करते कैशबुक कम हो जाती है, 1800 रुपये से कैशबुक हमारी कम हो गई होगी। बैलेंस करना है, ड्राइवर पासबुक है, पासबुक को भी माइनस कर देंगे, तो ये 1800 रुपये आपके माइनस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर 25,000 ऑन 28 मार्च, बट आउट ऑफ दिस चेक्स फॉर 10,000 इज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2023। कि चेक हमने जो डिपॉजिट किए थे वो 25,000 के, बट उसमें से 10,000 रुपये के चेक इज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च 2023, लेकिन उसमें से क्रेडिट कितने हुए अभी तक 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक यानी जब हम ये बियर्स बना रहे हैं, 10,000 तक क्रेडिट हो गए 31 मार्च तक। अगर 10,000 तक क्रेडिट हो गए तो कितने क्रेडिट नहीं हुए, तो कितने क्रेडिट नहीं हुए, 25 - 10 यानी 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये के चेक आपके अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। बस यही ध्यान से देखना कि कब माइनस करना है, कब माइनस नहीं करना। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 31 मार्च तक जो है 10,000 रुपये के चेक क्रेडिट हो चुके हैं, यानी पासबुक में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो कितनी एंट्री नहीं हुई, 15,000। तभी तो हम देखो यहाँ लिखते हैं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट तो कर दिए लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुए, ठीक है। तो कितने क्रेडिट नहीं हुए, तो भाई 25,000 रुपये के चेक जमा किए थे मार्च तक, 10,000 रुपये के चेक क्रेडिट हो गए, तो कितने क्रेडिट नहीं हुए, 15,000। तो यही चाहिए होता है। अच्छा, इसको प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, तो पहले आप इसका इफेक्ट देखें 15,000 के हिसाब से। तो चेक डिपॉजिट कर दिए, 15,000 की कैशबुक बढ़ गई। बैलेंस करना है, अब देखो ड्राइवर पासबुक है, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक को प्लस कर देंगे, तो 15,000 रुपये हमारे प्लस साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा, द बैंक हैड रॉन्गली क्रेडिटेड 5,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। कि बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, और बैंक ने देखो ठीक भी किया है, लेकिन यहाँ पे लिखा रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च के बाद ठीक किया है, मतलब मार्च तक ये गलती बनी हुई है। अगर ये मार्च तक गलती बनी हुई है तो इसको बैलेंस करना होगा, हाँ, तो कैसे करेंगे, तो देखो रॉन्गली क्रेडिटेड, पासबुक में गलती ठीक मतलब गलती हो गई है, पासबुक हमारी बढ़ गई है, अब बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करना तो क्या करेंगे, कैशबुक को प्लस या पासबुक को माइनस, तो ड्राइवर पासबुक है तो पासबुक को माइनस, यहां लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये पासबुक बढ़ गई, बैलेंस करना तो पासबुक को माइनस कर देंगे, 5,000 रुपये माइनस में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक 2,500 रुपये डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बिन डिसऑनर्ड। कि भाई हमने 2,500 का चेक बैंक में जमा किया और वो डिसऑनर्ड हो गया। अब देखिए चेक जमा करना, पहले चेक डिपॉजिट किया फिर डिसऑनर्ड हुआ, तो चेक जैसे ही हमने डिपॉजिट किया होगा कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, चेक डिपॉजिट करते ही है ना, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम वेट कर रहे थे कि भाई पासबुक में चेक जैसे ही क्लियर होगा पासबुक में पड़ जाएगी, लेकिन चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या पासबुक बढ़ी, नहीं। तो इसका इफेक्ट अगर सोचा जाए, क्योंकि मेन हमें इफेक्ट सोचना है, तो चेक डिपॉजिट करते कैशबुक हमारी बढ़ चुकी है, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक नहीं बढ़ी। अब दोनों को बैलेंस कर, ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को प्लस कर देंगे, तो ये 2,500 प्लस साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे चेक्स, ठीक है, डिपॉजिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, कि वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, जो हमने डिपॉजिट किया था चेक वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो चेक डिसऑनर्ड होते ही क्या हुआ, कैशबुक तो बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। अब ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक को प्लस कर देंगे, कितने रुपए से, 2,500 रुपए से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैशबुक बट नॉट सेंट टू द बैंक। चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैशबुक बट नॉट सेंट टू द बैंक, चेक हमने रिसीव किया, एंटर्ड इन द कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड भी कर दिया,
ठीक है, जैसे ही चेक मिला हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया बट नॉट सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक में डिपॉजिट के लिए नहीं भेजा। तो देखो जैसे ही चेक रिसीव करते हैं और एंटर करते हैं कैशबुक में, तो कैशबुक हमारी बढ़ गई। अब अगर हमने ये चेक बैंक में जमा ही नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं किया, तो क्या पासबुक बढ़ेगी? नहीं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब ड्राइवर कौन है, कैशबुक या पासबुक? ठीक है, ड्राइवर पासबुक है, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक को प्लस कर देंगे। अच्छा, इसका अमाउंट यहाँ पे मिस हो गया लिखना, तो मैं अपने आप से लिख देता हूँ। मान लेते 6000 रुपये का ये चेक है, तो 6000 रुपये से हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? चेक रिसीव्ड, ठीक है, एंड एंटर्ड या रिकॉर्डेड बोल सकते हैं इन कैशबुक बट नॉट डिपॉजिटेड, लेकिन हमने इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, जिस वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा था। और अब लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट लिखा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कि बैंक चार्जेस था बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी पासबुक हमारी कम हो गई। बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक जब भी कोई हमारे अगेंस्ट चार्ज लगा रहा था उसकी पर्ची वर्ची देगा, तो उस पर्ची को हमने क्या नाम दे दिया? डेबिट मेमो। अब क्योंकि अभी तक डेबिट मेमो हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसकी एंट्री ना कैशबुक में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कैशबुक में ना, यानी बिजनेसमैन जो है जब तक वाउचर ना मिले उसकी रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बैंक चार्जेस 500 रुपये का था, तो ये तो रिसीव हुआ नहीं, तो बैंक में इसको रिकॉर्ड तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, सॉरी कैशबुक में। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? सिर्फ अभी तक पासबुक में, पासबुक हमारी कम हो गई है। बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? बैलेंस ड्राइवर पासबुक है, तो पासबुक को वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस 500 रुपये पासबुक में प्लस। अब इसकी बैलेंसिंग कर देनी है, वही क्लोज करना है मैटर्स का। तो पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल देखो प्लस साइड का ज़्यादा है, 6000, 2500, 6 और 2 8, 8 और 15 23, 23 और 2 25, 26, 26 और 6 32500। तो इधर भी 32500 लिख देंगे। अच्छा, 32500 में से ये 1805, 6800 माइनस कर देंगे, तो 32500 में से 6800 माइनस 25700, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे। ठीक है, अब और प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो आपकी कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम निकल के अगर आती है तो मुझसे शेयर करिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं आने वाली वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम की सारी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।